सो गाइस, फाइनली वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोड इंडिया में लॉन्च हो चुका है और यह वन प्लस का सबसे सस्ता 5G डिवाइस होगा। यह फ़ोन कई अमेजिंग फीचर्स और इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें देखने को मिलता है। वन प्लस ने यह वन प्लस नोड को लॉन्च करने के बाद सारा ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन को एक टफ कंपटीशन दे दी है। आपको बता दें कि यह फ़ोन सबसे सस्ता 5G डिवाइस होगा और इसके साथ आपको 765G का बेस्ट बजट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी वन प्लस नोड के फुल स्पेसिफिकेशंस और हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि यह फ़ोन कितने प्राइस में हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन के डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करते हैं तो यह फ़ोन आपको ग्लॉसी गार्डियन के फिनिशिंग के साथ हमें देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में आगे और पीछे दोनों साइड हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का ही प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ हमें 6.44 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो आएगा 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी डिस्प्ले आपको 90 Hz के रेफ्रेश रेट के साथ में हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इसकी डिस्प्ले है वह काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें आपको कलर ब्राइटनेस काफ़ी अमेजिंग दिखने को मिलेगी। इसके वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल के देखने को मिलने वाली है। बैक साइड में आपको ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जिसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इसका मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर होगा। इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ में हमें देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो फ्रेंड्स, अभी के सारे स्मार्टफोन में आपको डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल के दिया जाता है, लेकिन वन प्लस नोड में हमें 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अमेजिंग है, जिससे आप फोटो और वीडियो काफ़ी प्रो लेवल तक देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको सेल्फी के लिए डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसके डिस्प्ले में आपको डुअल पंच होल कटआउट के साथ हमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वन प्लस नोट के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G का बेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो 5G सपोर्ट के साथ हमें देखने को मिलेगा। आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल के देखने को मिलने वाली है। इसके साथ आपको एंड्रॉयड 10 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, और इसमें आपको LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यह फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, 6GB प्लस 64GB, 8 प्लस 128GB और 12 प्लस 256GB के साथ हमें यह वन प्लस नोड देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, वन प्लस नोड के एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो यह फ़ोन को काफ़ी कमाल की बनाती है, जो इसका है ऑक्सीजन OS। इसकी जो डिस्प्ले में आपको ऑक्सीजन OS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अब इस फ़ोन के बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो 30T के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और USB Type-C पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। अभी इस फ़ोन के प्राइसिंग की बात करते हैं तो यह फ़ोन आपको अंडर 30,000 के प्राइस में ही देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो बेस वेरिएंट 6 प्लस 64GB वाला वेरिएंट है, यह आपको इंडिया में ही देखने को मिलने वाला है। बाहर की कंट्री में आपको 8 प्लस 128GB से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में ज़्यादातर लोग बजट फ़ोन लेना पसंद करते हैं, इसलिए वन प्लस ने इंडिया के लिए खासकर 6 प्लस 64GB वाला वेरिएंट प्रोवाइड कराया है। और दोस्तों, यह फ़ोन वन प्लस की तरफ से सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका इस फ़ोन के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।